नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पॉलिसीज है, उन सबको इकट्ठा करके उनके जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे वो सारे अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर हमने डाले हैं कि अगर दिल्ली के रहने वाले युवा दिल्ली के अंदर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उनको दिल्ली सरकार पूरी तरह से मदद करेगी, हैंड होल्डिंग करेगी, उनको पैसे से भी मदद करेगी और पैसे के अलावा भी कई तरह से मदद करेगी। पैसे से मदद करने में कई सारे चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए वो किराए पे कोई जगह लेते हैं तो उसका आधा किराया तक दिल्ली सरकार दे सकती है, उसको उसके किराए में मदद कर सकती है। जो वो तनख्वाहें देगा अपने एम्प्लॉयज़ को, उन तनख्वाहों के अंदर कुछ कुछ पोर्शन फाइनेंशियल उसकी मदद कर सकती है। वो अगर पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, कॉपीराइट के लिए अप्लाई करता है तो जो उसकी फीस लगती है वो वापस कर सकते हैं। उसके जो इंटरनेट चार्जेस आते हैं उसके अंदर दिल्ली सरकार मदद कर सकती है। दिल्ली के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाने के लिए, फैब्रिकेशन लैब्स लगाने के लिए, ऐसे सेंटर्स जहाँ पे कि बच्चे जाके अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, उनको इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। ऐसे सेंटर जो लोग स्थापित करेंगे उनको अलग तरह तरह से वित्तीय सहायता देंगे। बिना गारंटी के कोलेट्रल फ्री लोन दिलाने में दिल्ली सहायता मदद करेगी और एक साल के लिए इस तरह की ढेर सारी वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार देगी। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात, एक बच्चा, एक युवा जब अपना नया बिजनेस शुरू करना, 10% टाइम तो अपने बिजनेस पे देता है और 90% टाइम वो इस पे, सरकारी विभाग में जाना है मेरे को ये कानून, 90% टाइम वो इन चीजों के अंदर बिजी रहता है। हमने ये तय किया और ये एक तरह से एक नई तरह की शुरुआत हो रही है कि प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, बना देंगे उनका, जैसे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पैनल, लॉयर्स का पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल, उनमें से किसी के भी पास एक स्टार्टअप वाला बंदा जाके और उस उनकी मदद ले सकता है और वो मदद बिल्कुल फ्री होगी। मान लीजिए हमने एक पैनल बनाया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, तो वो स्टार्टअप वाला जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है वो उस चार्टर्ड, उनमें से किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा सकता है, उनसे मदद ले सकता है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी मदद देगा वो फ्री होगी, इसको दिल्ली सरकार उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा देगी। तो इस तरह से किसी भी लीगल तरह के वो दिया जा सकता है, स्टार्टअप करने वालों को मार्केटिंग करने में मदद दी जाएगी, सोशल मीडिया में मदद दी जाएगी, पेटेंट या ट्रेडमार्क कैसे फाइल करने हैं उसमें मदद दी जाएगी, GST कैसे भरना है उसमें मदद दी जाएगी, इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए मदद की जाएगी, लोन लेने के लिए मदद की जाएगी, अलग अलग सरकारी विभागों से कैसे अप्रूवल लेनी है, इन सारी चीज़ों में, ढेर सारी चीज़ों में स्टार्टअप करने वाले युवा को दिल्ली सरकार फ्री में प्रोफेशनल और अलग अलग तरह की एक्सपर्ट मदद प्रोवाइड करेगी। ये सारी एजेंसी जो है उसको फ्री में मदद देंगी। एक और बड़ी मदद उनको की जाएगी कि सरकार जो जो सामान खरीदती है, सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है उसमें भी स्टार्टअप्स के लिए अलग एक सुविधा होगी। उसमें नॉर्मली जैसे प्रोक्योरमेंट करते हैं कोई सामान का, तो हम कहते हैं इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में स्टार्टअप के लिए हम ढिलाई कर देंगे ताकि जो माल के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, माल की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर हम उनको मदद करेंगे। तो और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार के कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो कोई स्टार्टअप करना चाहता है और पढ़ते पढ़ते उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो सरकार उसको अपनी पढ़ाई में 2 साल तक की छुट्टी भी देने के लिए तैयार है कि वो 2 साल की छुट्टी ले ले, अपना तैयारी प्रोडक्ट वगैरह पे लग जाए, वापस आके अपना कोर्स पूरा करके अपनी डिग्री ले जाए। तो उस पढ़ते पढ़ते कॉलेज के बच्चों को भी 1 से 2 साल तक की छुट्टी लेने की इजाज़त दी जाएगी। इसका प्रोसीजर ये होगा कि एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है, 20 लोगों की टास्क फोर्स, उसमें 20 उसमें एक केवल गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, उसमें थोड़े से लोग एकेडमिक्स के होंगे 10% और 85% लोग प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग होंगे, बिजनेस के लोग होंगे। ये अगर कोई भी दिल्ली सरकार के स्टार्टअप में पॉलिसी में रजिस्टर करना चाहता है वो इस टास्क फोर्स को अप्लाई करेगा और ये टास्क फोर्स जो है फिर डिसाइड करेगी कि हमें इन्हें रजिस्टर करना है कि नहीं करना। तो मुझे लगता है कि
इस स्टार्टअप पॉलिसी के बाद एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में स्टार्टअप्स का बूम आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे अपने दिल्ली से युवा जो हैं वो यूनिकॉर्न बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से निकलेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।